अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डेली फरीद ब्लॉग। आज हमारा कतर में तीसरा रमजान का तीसरे रोजे की सहरी है और सुबह के बज रहे हैं 3:30। मैं उठ गया हूँ, कल भी जल्दी उठा था लेकिन पहले रमजान में ही थोड़ा गड़बड़ हो गई। आज इंडिया में दूसरे रमजान की सहरी है। सहरी का जो खाना है वो क्या क्या आया है, वो है तहरी चावल और मेरा फेवरेट सलाद जिससे दांत खराब होगा वो चिकन आलू कड़ी, और जिसका इंतजार था संतरा मौसम्बा सेब वो आ गया है, वो इसलिए आया है। ये जो लाया था मैं 9 रियाल दे के, आज इसकी ओपनिंग करने वाला हूँ मैं। ये देखो अभी तक इसका ये फाड़ा ही नहीं। मैं 1 मिनट इसको थोड़ा साफ कर लेंगे, उसके बाद मैं इसका जूस निकाल के आपको दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा। इसमें जूस पता नहीं, मैं पहली बार निकाल रहा हूँ इसको, कैसा है करते यूज़ करते मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? चलो पहले इसको साफ करके लाता हूँ। मैं ना इसको ना पहली मर्तबा यूज कर रहा हूँ, पता नहीं क्या होता है, देखेंगे। और यार इसको काटने के लिए कुछ है ही नहीं मेरे पास, चाकू उक्कू कैसे काटेंगे इसको? हाँ चम्मच से काटेंगे और इसका मजा ले लेंगे। ओ चम्मच देखो भाई, चाकू जैसा काम कर रहा है। हाँ चम्मच चम्मच ही होता है, बीच बीच में बहुत आता है चम्मच। चलो भाई बिस्मिल्लाह। अरे वाह वाह माशाल्लाह, ये तो भारी काम कर रहा है। अरे जूस तो निकल गया, पावर भी निकलता क्या बस? संतरी की हालत देखो कैसी भी। अरे ये तो फायदा नहीं भाई, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे लगा एक संतरे में गिलास भर जाता है, ये तो इतना ही आया है यार। ये दुकान वाले क्या पानी भरते क्या इसके अंदर? अबे यार फेस ही नहीं दिख रहा मेरा, दुकान वाले क्या इसके अंदर पानी भरते क्या, समझ में नहीं आ रहा। हाँ यार इसमें का तो पूरा जूस निकल गया है संतरे, ऐसा लग रहा है कोई दीवार में रख के इसको मुक्का मारा है पच्ची बोल के, जैसे गाड़ी चढ़ के जाती है इसके ऊपर। सही में देखो इसमें का तो पूरा रस निकल गया है, देखो इसमें कुछ बचा ही नहीं है। ये बहुत खट्टा है भाई ये। एक संतरे का इतना जूस निकला देखो भाई, इसमें एक्चुअली में ना संतरा लाश होता है भाई, संतरा जो है एक्चुअली में लाश होता है इसमें। और एक मौसम्बा है, इसको धो के लाता हूँ, उसको भी ट्राई करेंगे, क्योंकि ना वो साइज जो है वो बड़ा था, ये साइज जो है ये छोटा है, और छोटे वाले को ट्राई करेंगे, देखेंगे। अरे यार आजा, ये मीठा या खट्टा है? देखो देखो कैसा निकल रहा है, जूस जूस निकालने वाला बन गया मैं, प्योर जूस। जिसको भी चाहिए भाई कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है। अरे मुंह में पानी आ रहा मेरे, पता नहीं अबे जाम हो गया भाई रास्ता, इसका रास्ता जो है वो जाम हो गया अभी फिलहाल के लिए, पूरा ऊपर ऊपर जूस है, तो इसको अभी कैसे निकाले रास्ते को, 1 मिनट आपको दिखाता हूँ मैं। इसके अंदर पूरा फंस गया है और पूरा रस जो है वो नीचे तलक नहीं जा पा रहा है, ठीक है? इतना एक गिलास करने के लिए कितने, 4 संतरे लग, 4-5 संतरे तो लग जाएंगे भाई, वो भी बड़े साइज के। लोग ना क्या क्या चीज़ बना बना के बेचते हैं, उसको लाने के बाद में ना कहीं बनाने में पता नहीं फेल हो जाते हैं। मैं पता नहीं इसका तरीका सही इस्तेमाल कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मैं सही से इस्तेमाल कर रहा हूँ इसका। ओ भाई इसके अंदर जो है ये वाला भर गया भाई, ये देखो ये वाला भर गया इसके अंदर वाला। हाँ ये मसला है इसका, इसको इधर से डालेंगे फिर से और इसको टाइट कर देंगे, फिर से शुरू करेंगे अभी। क्या बोलती कंपनी, कमा ले रहे बहुत पनी, संतरा लग रहा बहुत पनी। रमजान के महीने में ना क्या क्या याद आता भाई, इससे अच्छा तो हाथ से नहीं छोड़ता मैं। अबे यार गिर गया है, देखो भाई और एक संतरा है लास्ट, उसके बाद में है 2 सेब। सेब का तो मुझे नहीं पता लेकिन ये संतरा भी धो गया क्या, तीसरा संतरा भी देखेंगे। गिलास भरना है मेरे को बस, 1 मिनट उससे पहले इसको ना थोड़ा क्लियर करेंगे इसको। यार इससे अच्छा तो मिक्सी है यार, ये बहुत परेशान कर रहा है, ये खेल हो गया मेरे को, खेलने का शौक बहुत है ना इसीलिए ये ना खेल हो गया मेरे को। चलो भैया तीसरा वाला धो के लाता हूँ, तीसरे वाले में चक्कर ही नहीं।
आज जो है पीवर पीवर जूस पियेंगे, पीवर पीवर। यार अगर जिसको भी इसका आइडिया है ना, प्लीज कमेंट करके बताना भाई कैसे निकला है, क्या मैं सही किया हूँ या गलत किया हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन चाकू नहीं है चम्मच से काट रहा हूँ, ये तो गलत जरूर है। अब क्या करें भैया, यही है हमारे पास और कुछ नहीं है। ये देखो इतना सा काट लिया हूँ और इसको थोड़ा धीरे 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 धीरे, तीसरा वाला है, तीसरा वाला। अरे निकलता ही नहीं निकलता बे यार, ये हाथ से नहीं, ऐसे निकाल देता हूँ। मिक्सी सही है यार, ये देखो भाई इतना लाश, ये तो लाश है भाई, पूरा लाश है ये। इनको लग रहा है छाने बन रहे, अगले लग रहे बहुत फनी है। इसको ना मैं मेरे तरीके से बनाता हूँ भाई। बहुत खट्टा है भाई ये, नमक डालना पड़ेगा इसमें, सारी नमक चीनी डालना पड़ेगा इसमें। इसको मैं अभी मैं मेरे तरीके से बनाऊंगा, मेरे तरीके से, मेरे तरीके से। वो कैसे ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये है मेरा तरीका उल्टा करके। ये प्लीज़ अगर कोई भी ले रहा है तो भाई इसको मत लिया करो, ठीक है, इसका काम जो है वो सही नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो पैसा दे के लाते हैं ना, चीज़ काम करना चाहिए। आपको एक संतरे में ना आधा गिलास भी दूध नहीं निकल रहा है, फिर तो गलत हो गया भाई। आप लोग कमेंट कर रहे थे ना भाई, संतरे का जूस निकालो, संतरे का जूस, ये लो संतरे का जूस। पूरा काम खराब हो गया है, मेरे हिसाब से एक संतरा पूरा खत्म हो गया इसमें का। अभी इसको मैं मेरा तरीका अपनाया हूँ, अभी ये जो है ये मेरा तरीका है, ठीक है। अरे यार ये तो संतरा पूरा खेल हो रहा है इसमें भाई, प्लीज यार इसको कोई भी मत लिया करो भाई, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, ये हमसे नहीं हो पाएगा भाई। तीन संतरे में इतना जूस निकला है, बताओ भाई, आधा गिलास जूस निकला है। वो भी पूरा लाश होते होते, पूरा लाश लाश होता है इसमें, बता रहा हूँ, बड़े साइज के भाई, बड़े बड़े साइज के तीन संतरे। उससे अच्छा तो ये बेहतर है हमारा नींबू निचड़ने वाला, उसके लिए चीनी एडजस्ट करना पड़ेगा मेरे बच्ची, चीनी ये बहुत रावस है, रावस बहुत खट्टा है, खट्टा 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 खट्टा। मुझे लगा कुछ अच्छा रिजल्ट देता बोल के ले गया है, ये ससरा रिजल्ट ही खराब देने लग गया है। संतरे का जूस कैसे निकाले, एनीबडी आइडिया आइडिया आइडिया?